दिल्ली से थोक लाता। और गाइस पिछले बार मैं व्लॉग शूट नहीं किया था, इस बार शूट कर रहा हूँ। के साथ घूम रहे और एक सफल करे कार्यक्रम अभी हमारे बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और गाइस आज है विजयदशमी, तो आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस थोड़ी देर बाद रावण दहन देखने जाने वाला हूँ। वैसे अभी तो 5:30 हो रहा है और रावण दहन नाइट में होगा 11 बजे। तो मैं आप लोग को पहले प्रोग्राम दिखाऊँगा और कितना भीड़ है, क्या माहौल है, वो सब दिखाऊँगा डोंगरगाँव का। तो गाइस चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। A few moments later. तो गाइस मैं कॉलेज मैदान आ गया हूँ लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए मैं सेटअप दिखाता हूँ क्या क्या तैयारी हुई है इस बार रावण दहन में। और अभी भी कम भीड़ है और पुलिस प्रशासन भी आ गई है। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और अभी कम से कम 1-2 घंटा और टाइम है, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। और इस साइड देखिए आप, रावण लग चुका है और स्टेज है वो पूरी तरीके से सज गया है। और चलिए पास में चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। अभी भी सेटअप हो ही रहा है, देख सकते हैं आप। अब पुष्पेंद्र भाई भी हैं हमारे, देख सकते हैं गाइस अभी भी तैयारी चल ही रही है। और इस साइड पूरा चेयर लग चुका है और इस साइड देखिए काफ़ी अच्छा माहौल होने वाला है कुछ ही देर में। तो मैं थोड़ी देर बाद आके आप लोग को और अच्छे से दिखलाऊंगा। और गाइस पोहा खा लेते हैं, काफ़ी टेस्टी बने वैसे। तो गाइस कुछ लोग अब आ गए हैं देखने के लिए और अभी भी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ है, हल्का फुल्का ही है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर फ्री में पोहा मिल रहा है, तो सब लोग खा भी रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है मेरे को, देख सकते हैं आप, कॉलेज के जस्ट सामने में है। और मैं भी अभी खा लिया हूँ एक बार। और उस साइड रावण है और स्टेज सज गया है। गाइस अभी पोहा खा लिए हैं और मैं सूर्यास्त के साथ आया हूँ और चलते हैं आगे। सूर्यास्त के साथ घूमने के लिए आया हूँ और अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आगे चलते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ मैं। और अभी भी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, देख सकते हैं आप। A few moments later. तो गाइस चलिए इंटर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है और प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है। और आप लोग को पास जाके अच्छे से दिखलाता हूँ मैं। और सिंगर भी आ गई है। पूरा पब्लिक ही पब्लिक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सब तरफ। उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं था और अभी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। पास में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। और सितारा बना देती है ये अपनी हद में रहे तो ठीक है, वरना किसी को वीर किसी को जारा बना देती है। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। तो गाइस फाइनली रावण दहन हो गया है और सभी लोग चले गए हैं।
सो गाइस फाइनली प्रोग्राम खत्म हो गया है और रावण दहन भी हो गया है और सभी लोग घर चले गए हैं और मैं भी अभी घर जाऊंगा। और काफ़ी अच्छा लगा इस बार का प्रोग्राम, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो गाइस प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और गाइस इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।